खबर बांदा जनपद से है, जहां अवैध खनन और ओवरलोडेड ट्रकों का बोलबाला रहता है और प्रशासन इस पर रोक लगाने में असफल है। किसान कभी सूखे की मार तो कभी अनावृष्टि और कभी ओलावृष्टि से पीड़ित रहते हैं, लेकिन इन यातनाओं में प्रकृति के साथ साथ यहां के खनन माफियाओं की किसानों और नदियों को बर्बाद करने में भी इनकी अहम भूमिका नजर आ रही है। बांदा की दुरेदी खादान खंड एक में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। स्थानीय ग्रामीण गांव छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं, पर प्रशासन की मिलीभगत से दिन रात ओवरलोड ट्रकों की धमाचौकड़ी रहती है, जिसमें दर्जनों ट्रक थाने चौकी के सामने बिना रवाना के गुजरते हैं और जब जिम्मेदार अधिकारियों से इन पर बात कर जानकारी मांगी जाती है, तब वे अवैध खनन में कुछ भी बोलने से कतराते नजर आते हैं। देश की सरकार किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने की लगातार बड़े बड़े मंचों से कवायतें कर रही है। किसान की हालत को सुधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर भरसक प्रयास करने में लगे हैं, लेकिन वही खनन माफियाओं ने बुंदेलखंड के बांदा के किसानों की माली हालत को खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है। यहां के किसान कभी सूखे की मार तो कभी अनावृष्टि तो कभी ओलावृष्टि से पीड़ित रहते हैं, लेकिन इन यातनाओं में प्रकृति के साथ साथ यहां के खनन माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आते। किसान और नदियों को बर्बाद करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। हम बात कर रहे हैं बांदा के दुरेडी खादान एक की, जहां जमकर अवैध खनन हो रहा है। वहीं यहां बड़ी बड़ी मशीनों से नदी का सीना छीनकर दिनों रात मोरंग निकाली जाती है। किसानों की हजारों हेक्टेयर की भूमि सिंचाई के अभाव में पूरी तरह से सूखने के कगार पर है और इन दिनों किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। यहाँ के किसानों का कहना है कि दुरेडी में अवैध खनन के चलते खुदाई के कारण यहाँ की नहरों का पानी सूख चुका है। नहर में जो भी पानी बचा हुआ था वह खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा है और इसके सिर्फ एक ही कारण है, खादानों में भारी मशीनों का खनन होना। किसानों का कहना है कि वर्तमान में सत्ता की हनक के चलते खादान संचालक यहाँ अवैध खनन करवा रहे हैं। इससे पहले इस खादान में अवैध खनन लग चुका है। नदी पूरी तरह से सूखने की कगार पे है, नहर का पानी पूरी तरह से सूखने की कगार पे है और अगर इसकी शिकायत जिलाधिकारी या अन्य अधिकारियों से करते हैं तो वह हमारी शिकायत को सत्ता के दबाव के चलते कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आखिर कब इन किसानों को पानी मिल पाएगा या फिर ये अधिकारी इन खनन माफियाओं के साथ मिलकर अपनी जेबों को भरने में लगे रहेंगे। इन अवैध खनन के चलते यहाँ की नदियों की शक्ल सूरत तो माफिया बिगाड़ ही रहे हैं, वहीं इन किसानों को भी दिनों दिन माफिया उनकी बदहाली को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। R9 भारत के लिए ललित कुमार की रिपोर्ट, बांदा।